इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोविड हेल्पलाइन की ओर से जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी को कोरोना वॉरियर के रूप में चुने जाने के बाद दिल्ली पटना एवं दरभंगा के आईएमए के लोकल बॉडीज अवार्ड को लेकर दरभंगा डीएमसीएच पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी से नहीं हो सकी। इसलिए दरभंगा जिला के अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान को सर्टिफिकेट एवं मोमेंटो समर्पित करते हुए आईएमए दरभंगा के सचिव द सीक्रेट डॉक्टर अमोद कुमार झा एवं दीपांशु शेखर ने संयुक्त रूप से दिया। डॉक्टर मुन्ना खान अवार्ड लेने के बाद प्रेस वार्ता में कहा कि यह गर्व की बात है कि मिथिलांचल के लाल को आईएमए द्वारा सम्मानित किया गया। मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जो आज उनको सम्मानित किया गया है, उनसे मिल नहीं सके, उनका अफसोस है उन लोगों को, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाकर उनके प्रतिनिधि के रूप में मुझे सौंपा है। मैं अपनी ओर से आईएमए का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आप देख लीजिए कि पूरे बिहार के अंदर में सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ही एक ऐसे व्यक्ति चुने गए जो जिनको इन लोगों ने उस स्तर पर रखा, जो बेलस गरीबों के बीच में काम किया, दवा पहुंचाया, ऑक्सीजन पहुंचाया, और यही नहीं शमशान तक जागों को जा करके लोगों को मदद पहुंचाया। उसी क्रम में आईएमए ने जो इनको अवार्ड दिया है, उनको मैंने प्रतिनिधि के रूप में लिया है, और इन लोगों का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कॉमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।